मैं हूँ जोया। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शॉर्ट्स। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चिकन ले रही हूँ मैं 1 किलो, मैदा मैंने ये 2 कप ले लिया है, जितनी ज़रूरत पड़ेगी हम उसके अकॉर्डिंगली हम यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 3 अंडे ले रही हूँ मैं, दरमियाने साइज़ के मैंने अंडे लिए हैं। 1 टेबल स्पून साल्ट, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 6 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस लिया। इसके अंदर हम सबसे पहले बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, सॉल्ट, थोड़ा सा रख लेंगे, ये चुटकी सा मैंने रख लिया है, इसको बाद में डालेंगे, ब्लैक पेपर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसके अंदर अब हम सोया सॉस डालेंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर 2 अंडे डालेंगे। मैंने 3 रखे थे लेकिन आप 2 डालें क्योंकि ये सोया सॉस काफी सारा है, ये अंडे बड़े हैं वैसे भी, काफी होंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये जो मैदा है इसके अंदर हम वो जो नमक हमने बचाया था ये डाल देंगे और सूखे हाथ से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो मैंने इसके अंदर अंडे डाले थे और ये अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है, अब हम इसके अंदर मिक्स हो गया, इसके अंदर अब हम खुश्क मैदा ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमने एक एक बोटी करके इसके अंदर डालनी है और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए एक एक बोटी अलग करके ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसको अब हम निकाल लेंगे। इस तरह किसी प्लेट में टिश्यू रख लें आप। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। तो देखिए हमारे कितने अच्छे चिकन शॉर्ट्स फ्राई हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें कितने क्रिस्पी हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।